हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लेके आपके सामने हाजिर हूँ कि कौन कौन सा थ्योरम, कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको अटेम्प्ट करके जाने ही जाने एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं 6.1 की। इससे पहले जो भी कुछ दिया हो कुछ इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, आपको छोड़ देनी है। 6.1 में डायरेक्ट हम आते हैं। देखिए 6.1 में जैसा कि आपको भी पता है कि वन मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसमें फिलिंग द ब्लैंक आपको करके चले जाने हैं। फिर उसके बाद आगे आते हैं अब एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले आपका जो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है 6.1 थ्योरम, इसको करके ही जाने। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बेसिक के हो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, इसको आपको अटेम्प्ट करके जाने ही जाने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इसका कन्वर्स पार्ट। देखिए कभी पूछता नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता इसका कन्वर्स पार्ट से, तो कन्वर्स पार्ट आप छोड़ सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं 6.2 की। 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, 99.9% चांस है कि एक क्वेश्चन इस बेस पर दिख जाए आपको, तो आपको करके ही जाने हैं। अब 100% तो कोई नहीं बता सकता। फिर उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अटेम्प्ट करके जाने ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन को 6.2 से आपको इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाने ही हैं। अब फिर इसके बाद जितने भी थ्योरम आते हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस थ्योरम नहीं आता तो इस थ्योरम को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से तीन थ्योरम आपको छूट जाएंगे, 6.3, 6.4 और 6.5 आपको नहीं करने हैं। इससे बेस खाली क्वेश्चन आते हैं, आपको थ्योरम तैयार नहीं करनी है। लेकिन जो 6.6 है थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको करके जाने हैं। अगर खासकर अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो उस आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, देखिए जब 6.5 है ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6.1। उससे पहले क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इसको आपको करने हैं, करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर आपको अटेम्प्ट करने हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 आपको करके जाने हैं। फिर उसके बाद आपको आ जाने हैं क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, 15, क्वेश्चन नंबर 15 एंड उसके बाद 16, दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 एंड 16 नंबर के क्वेश्चन। अब चलिए अब आगे आते हैं एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल। इसके जो थ्योरम है, इसके पहला वाला थ्योरम आपको करके जाने ही जाने हैं। पहला वाला थ्योरम 6.6 ए वाला थ्योरम आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, खासकर अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हैं तो और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक के लिए, हालांकि इम्पॉर्टेंट बेसिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट, कोई नहीं बता सकता कि बेसिक में आएगा स्टैंडर्ड, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, हाँ 6.4। तो 6.4 में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है, इसको आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आगे आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 एक मार्क्स में आ जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9 यहाँ से हो गया। फिर अब आगे आते हैं, अब इसके बाद आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप तैयार कर लीजिएगा, 6.8 तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, अब बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6.8 मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसका कन्वर्स आप छोड़ सकते हैं, कन्वर्स कभी कभी पूछता है ज़्यादातर इन केस में, ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम में पूछता है स्टेट एंड प्रूफ, तो कन्वर्स पार्ट बहुत कम चांसेस है आने का। ठीक है, आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, हाँ एग्जाम्पल 13 भी आपको करके जाने, एग्जाम्पल 13 करके जाने, क्योंकि इसको कर लेंगे तो बाकी बहुत सारे आपके एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपने 6.5 पर। इससे पहले आप सभी को छोड़ सकते हैं 6.5। 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे बाकी सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि सब इसी के बेस पर है, इसी के बेस क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर
आज ये 12 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, तो आपको इसको भी सॉल्व करके जाने हैं। फिर इसके बाद देखिए, इतना तो हो गया। अब आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल से भी कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल में भी कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ लोग कहेंगे ऑप्शनल तो एग्ज़ाम में आता नहीं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से आगे कुछ देंगे। ठीक है, तो आपको ये सब जितना मैंने मार्क कराया, आप एक कॉपी पर लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को बैठ जाइए करने के लिए, और ये सब क्वेश्चन को करके तभी जो है कि एग्ज़ाम में आप इंटर कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन करके जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, देखिए जो बेसिक मैथ के लिए, बेसिक मैथ के लिए NCERT इनफ है, NCERT जो है इनफ है, लेकिन अगर अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से, तो आपको एग्जाम्पलर भी सॉल्व करके जाने हैं, एग्जाम्पलर भी सॉल्व करके जाने हैं। अब स्टैंडर्ड में ऐसे बेसिक के लिए NCERT इनफ है, बाकी अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हैं तो NCERT प्लस एग्जाम्पलर आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।